अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो स्मार्टफोन को कंपेयर करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास मौजूद है, ओप्पो फाइंड एक्स फाइव प्रो और साथ में सैमसंग गैलेक्सी एस 22 प्लस। जी हाँ दोस्तों, तो इन दोनों स्मार्टफोन का तबाही का कंपेरिजन होने जाला है भाई, बहुत ही कमाल का। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, लेकिन दोनों डिवाइसेस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर लेटेस्ट आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोनों डिवाइसेस की तरफ और देखते हैं कि हमें इन दोनों फोन में क्या देखने को मिलता है। तो भाई यहां पर क्या है कि Oppo Find X5 Pro जो है, इसका डिजाइनिंग, इसकी लुक बहुत ही कमाल की, बहुत ही तबाही की देखने को मिल जाती है भाई। और साथ में Samsung Galaxy S22 जो प्लस है उसकी भी भाई बहुत क्या बात है कि इनकी दोनों स्मार्टफोन की जो लुक डिजाइनिंग एक अलग लेवल पर हो, एक अलग तरीके की गई है, जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई इन दोनों फोन में 100% ही अच्छी लुक और डिजाइनिंग के साथ दोनों डिवाइसेस देखने को मिलेगी। बाकी इन फोन में ये देखेंगे कि यार हमें किसमें स्पेसिफिकेशन टॉप की देखने को मिलती है, किसमें कम देखने को मिलती है, और यहां पर ये भी जानेंगे कि हमें इन दोनों फोन में किस मकसद के लिए, किस फोन को बाय करना चाहिए, किस मकसद के लिए बाय करना चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सा फोन इन दोनों में गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट है, कैमरे के लिए कौन सा बेस्ट है, या हमें कैमरा और गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा डिवाइस बाय करना है। बाकी जो कुछ भी है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आप इस फोन के बारे में जान सकें, दोनों डिवाइसेस के बारे में जान सकें, इसका कंपैरिजन देख सकें और इनमें से आप डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और आप जान सकेंगे कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। बाकी चलते हैं दोनों डिवाइसेस की तरफ और देखते हैं कि हमें किस तरह और किस तरह की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों ओप्पो की, जिसमें हमें डिस्प्ले साइज जो देखने को मिलता है वो 6.7 इंचेस का क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और साथ में दोस्तों आपको अमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा दिया गया है। बाकी अगर बात करें दोस्तों सैमसंग की, जिसमें हमें 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और साथ में हमें अमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। अब यहां पर क्या है कि हमें सेम ही देखने को मिला लेकिन डिस्प्ले साइज हमें कम दिया गया है सैमसंग में, लेकिन ओप्पो में हमें काफी हद तक हमें अच्छा दिया गया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज की, भाई मेन पॉइंट यही है कि हमें परफॉर्मेंस किस तरह की देखने को मिलती है डिवाइस में। तो अगर मैं बात करूं ओप्पो की, जिसमें हमें एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, अगर मैं बात करूं चिपसेट की, जिसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन 1 का देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या है, जो चिपसेट हमें दिया गया है ना, ये गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए एक पावरफुल डिवाइस होने वाली है। अगर तो आप एक गेमिंग के लिए लेना चाहते तो इस डिवाइस को आप जरूर देखिएगा। बाकी एंड पे आप जानते हैं कि किस मकसद के लिए है और किस चीज के लिए हमें बाय करना चाहिए। बाकी आपको चिपसेट तो अच्छा बता दिया गया। बाकी अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों सैमसंग की, जिसमें हमें एंड्रॉइड 12 ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो चिपसेट देखने को मिलता है वो भी हमें सेम ही देखने को मिलता है, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन 1। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर की, नैनोमीटर की, तो इन दोनों डिवाइसेस में आपको 4 नैनोमीटर देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर जो है इसका 4 नैनोमीटर देखने को मिलता है, जो यहां पर जितने नैनोमीटर कम होंगे उतनी ही परफॉर्मेंस एनहांसम होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपके स्मार्टफोन में जितने नैनोमीटर कम होंगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस उनको हैंडसम होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन फोन्स के कैमरे वाइज की, जो कि हमें ट्रिपल सेटअप कैमरा ही देखने को मिलता है ओप्पो में, जिसका मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, सेकंड हमें 13 मेगापिक्सल का, थर्ड हमें 50 मेगापिक्सल का, जो कि तीनों कैमरे ही आपको, ट्रिपल सेटअप कैमरा ही आपको एक पावरफुल देखने को मिले हैं। बाकी अगर बात करें सेल्फी शूटर की, तो इसमें हमें 32 मेगापिक्सल और सिंगल ही देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल कैमरा एक आपको अलग तरह की सेल्फी लेकर देगा, एक अच्छी क्वालिटी में आपको देखे अब देगा, बहुत ही खास आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सैमसंग की, जिसके बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा लेकिन आपको सेम नहीं देखने को मिलता, बहुत लो क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, जिसका मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिला है भाई। सेकंड की बात करूं तो 10 मेगापिक्सल सेल्फी जो लास्ट हमें देखने को मिलता है, थर्ड वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि बहुत लो देखने को मिले, लेकिन सेल्फी शूटर भी हमें 10 मेगापिक्सल का दिया गया भाई। यहां पर कैमरे वाइज आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखने को मिला, एक बुरा ही कैमरा आपको देखने को मिला, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी अच्छी दी गई है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो में आपको कैमरा भी अच्छा दिया गया है,
साथ ही साथ क्या है कि हमें परफॉर्मेंस भी बहुत टॉप लेवल की देखने को मिली है। बाकी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वेरिएंट की, तो हमें 8GB के साथ 256GB मेमोरी देखने को मिलती है ओप्पो में, और यहाँ पर दूसरा वेरिएंट जो दिया गया वो 12 के साथ हमें 512GB मेमोरी देखने को मिलेगी। भाई इसमें क्या है, सैमसंग में आपको 8 के साथ 128GB है और 8 के साथ आपको 256GB है, लेकिन उसमें आपको 12 के साथ 512GB है। ये बहुत ही पॉइंट एक बहुत ही खास है कि हम मेमोरी और रैम हमें बहुत टॉप लेवल की दी गई, बाकी दूसरी चीज़ें भी आपको पता ही है कि कितनी टॉप की दी गई हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी की, जो कि हमें ओप्पो में 5000 mAh बैटरी पावर देखने मिलती है, साथ में 80W का फास्ट चार्जिंग है, जिसके साथ आपको 50W का वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सैमसंग की, जिसमें हमें 4500 mAh की बैटरी पावर देखने को मिलती है, साथ में 45W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बैटरी भी हमें कम दी गई है, बाकी दूसरी चीज़ें भी हमें कम दी गई है। तकरीबन अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ वो है ओप्पो फाइंड X5 Pro, जो कि डिज़ाइनिंग लुक मतलब लुक एट द लुक भाई बहुत ही खास इसकी लुक देखने को मिलती है, मुझे खास तौर पे बहुत पसंद है इसकी लुक। बाकी स्पेसिफिकेशन तो टॉप पर देखने को मिल ही रही है, इसकी लुक बहुत ही अच्छी लगी है भाई मुझे, बहुत ऑसम, बहुत ही खास भाई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, आप खुद डिसाइड भी कर सकते हैं कि यार हमें कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिकेशन के साथ साथ आपको इसकी डिज़ाइनिंग लुक भी दिखा दी है, बाकी स्पेसिफिकेशन भी आपको ज़ाहिर कर दिए, बाकी आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। बाकी जो भी है वो आपके सामने है, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।